आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे आपका कैलोरी शरीर में ना बढ़े। तो इसके लिए आप आपके डाइट का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि ऐसे भी कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे आपके शरीर में कैलोरीज बढ़ने के बजाय घट जाती है, क्योंकि इन चीजों में कैलोरीज की मात्रा कम और इनको पचाने में कैलोरीज ज्यादा लगती है जो आपके शरीर से घट जाती है, लेकिन इससे आपको कमजोरी भी नहीं आती। तो दोस्तों, भले ही ये कैलोरीज में कम होते हैं लेकिन जीवन सत्वों से यानी कि विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं थर्मोजेनेसिस। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नजर डालते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों पर जो आपको वेट लॉस के टारगेट को बड़ी आसानी से पाने में मदद करता है। इन सभी को हम जीरो कैलोरीज या नेगेटिव कैलोरीज फूड भी कहते हैं। बीटरूट, इसमें होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, बहुत जरूरी फूड कंपाउंड्स जैसे आयरन, मैंगनीज, पोटेशियम, फोलेट। इसमें ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाया जाता है जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा कम हो जाती है। इसके 100 ग्राम खाने से ही आपको सिर्फ 37 कैलोरीज मिलती है। एप्पल्स, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और ढेर सारा फाइबर पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी भूख को ज्यादा देर तक रोक के रख सकता है। सिर्फ 52 कैलोरीज मिलती है इसके 100 ग्राम खाने से। इसका जूस से ज्यादा इसे पूरा खाना बेटर माना जाता है। मेलन्स, कलिंगर या खरबूजा यानी कि वाटरमेलन और मस्क मेलन, ये दोनों विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर में रिच होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स भी होते हैं और ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अप्रोक्सीमेटली 30-34 कैलोरीज ही मिलती है 100 ग्राम के खाने से। कैरेट्स, ये आंखों के लिए और डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये कैलोरीज घटाने में भी फायदेमंद है। विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर ये सिर्फ आपको 40 कैलोरीज देती है 100 ग्राम के सेवन से। जूस के बजाय पूरा कैरेट एक स्नैक की तरह खाए तो बहुत फायदा होगा। टमाटोज, इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिक मात्रा होती है। इसमें लाइकोपीन पाया जाता है जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है और ये दिल के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। सिर्फ 100 ग्राम खाने से आपको 17 कैलोरीज ही बढ़ती है। व्हाइट मशरूम्स, ये विटामिन बी, डी और कैल्शियम से भरपूर होते हैं जो आपके मूड को अच्छा रखते हैं, आपके बॉडी को ज्यादा भूख लगने से बचाए रखते हैं और आपको बहुत ज्यादा फाइबर देता है। इसके 100 ग्राम से आपको सिर्फ 20 कैलोरीज ही मिलती है। ककड़ी यानी कि क्यूकुम्बर, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन बी और फाइबर्स होता है जिससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें पानी की मात्रा भी अधिक पाई जाती है जिससे आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती और आपका पेट भी भरा रहता है। इसके 100 ग्राम खाने से सिर्फ आपको 10 कैलोरीज ही मिलती है। क्रूशीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सब विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स और ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जिससे आप सब्जियों में पकाकर खा सकते हैं या फिर सलाद में भी खा सकते हैं। इसके 10 ग्राम के खाने से सिर्फ 20 से 40 कैलोरीज ही मिलती है। हरी पत्तियों की सब्जी जैसे कि मेथी, पालक, सरसों की भाजी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होती है और ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसके 100 ग्राम खाने से 8 कैलोरीज से लेके ज्यादा से ज्यादा 25 कैलोरीज ही मिलती है। बैगन, इसमें विटामिन सी, B6 और फाइबर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जिससे आपको एनर्जी तो मिलती है और इसके 100 ग्राम खाने से सिर्फ 20 कैलोरीज ही मिलती है। बैगन को रोस्ट करके उसका भरता बना के खाए तो वेट लॉस में मदद करेगा। ग्रीन टी और हर्बल टी के वेट लॉस में फायदे आप जानते ही हैं। इसके एक कप में आपको मिलेगा 1 या 1.5 कैलोरीज। तो देखा दोस्तों, सही खाने से आपको सही तरह से एनर्जी और न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।